नमस्कार आप सभी साथियों को, गुड इवनिंग आदाब सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आज की इस लाइफ चेंजिंग जूम मीटिंग में फिर से एक बार। साथियों, आज मेरे लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि आज आप सभी से फिर से एक बार मुखातिब और रूबरू होने का ये जो अवसर प्राप्त हुआ है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मुझे जब जब ये अवसर प्राप्त होता है, मुझे अपने आप में एक प्राउड सा फील होता है साथियों। क्यों? क्योंकि जब जब मुझे आप सभी लोगों से अपने अनुभव शेयर करने का अवसर मिल जाता है तो एक अजीब सी फीलिंग आती है। और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा साथियों कि जब पूरा भारत हमें सुनेगा और हम बोलेंगे। लेकिन साथियों, आज वो अवसर, आज वो लम्हा, आज वो दिन मेरे लाइफ में है, मेरे साथ है। जो कभी सपना था आज मेरा अपना है साथियों। आज मैं इस काबिल हूं तो साथियों, उसमें सिर्फ मेरा हाथ नहीं है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा साथियों, अगर कोई इंसान अगर ये सोचता है कि आज वो जो कुछ भी है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका रोल है, तो ये उसकी गलत फहमी है साथियों। क्योंकि उसको नहीं पता होता कि उसके पीछे कितने लोगों का हाथ होता है। आज कोई भी सफल इंसान को उठा के देख लीजिए, कोई भी। वैसे तो आप लोगों ने एक बातें बहुत कुछ सुन रखी होगी कि हर इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, ये तो हम सभी ने सुन रखा है। लेकिन उसके साथ में भी बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी काबिलियत, अपने दम पर ये नाम, ये मुकाम, ये शोहरत, ये इज्जत, ये सम्मान अपने दम पर हासिल किया है, तो साथियों वो सरासर गलत है। क्योंकि जैसे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि सिर्फ मैं ही हूं जो इस काम को कर सकता हूं, या सिर्फ मैं ही हूं, तो ये उसका घमंड है साथियों, ये उसका अहंकार है। लेकिन अगर वो ये सोचता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूं, मैं भी इस लायक हूं कि इस काम को कर सकता हूं, ये सही है। क्योंकि अहंकार एक ऐसी चीज है साथियों, एक ऐसी चिंगारी होती है जो हमारे पूरे बने बनाए अंपायर को राख कर, जलाकर राख कर देती है, और जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां कभी पहुंच नहीं पाते साथियों। ये अहंकार एक ऐसी चीज है जो बड़का इसने पूरा तन राज के आज तहस नहस कर दिए, वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो साथियों, हम अपने आप में जब भी कहीं पर भी बैठें, किसी के सामने भी बातें करें, कभी भी ये चीज लेकर के ना आए जो कुछ किया है सिर्फ मैंने कहा। आज आप जो कुछ भी हैं उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है, आपके माता पिता का हाथ है, ईश्वर का हाथ है, आपके परिवार का हाथ है, रिश्तेदारों का हाथ, बहुत सारे लोगों का साथियों हाथ होता है, बहुत सारे लोगों का प्रत्यक्ष रूप से बहुत लोगों का में हाथ होता है। ईश्वर को हमेशा धन्यवाद दिए, क्योंकि कहीं नहीं आप पीछे ईश्वर गुण बना है जो आपको सपोर्ट करता है, जो आप कभी देख नहीं सकते हैं लेकिन इस तरह सपोर्ट करता है साथियों। तो साथियों, मैं आज आप सभी को बताना चाहूंगा, आज इस मीटिंग को शुरुआत करने से पहले, आज बढ़ाने पहले, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर इंसान के पीछे ऐसा कहा बढ़ाने में बहुत लोगों का होता है, मेरे भी पीछे उन लोगों का हाथ है जिनके आशीर्वाद, जिनके साथ में काम करते हुए आज मैं इस पल, इस मुकाम, इस नाम पर पहुंचा हूं साथी, जहां पर आज आप सभी को पता है आज कि आज ऐसी दिन, आज सचो लगता है मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, माफ कीजिएगा। तो साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज ये जो बिजनेस है, ये जो जेएमबीडी है, आज इस मुकाम पर लेकर के हम सबको आई है। खास तौर से अगर मैं अपनी बात करूं तो आज जिस मुकाम पर मैं हूं,
जिसको एक पिन के हिसाब से देखा जाए तो एक लेबल होता है एमरॉल्ड। साथियों आज एक ऐसी पिन भी आज हमारे पास आई जो कभी हमारे लिए सपना हुआ करता था साथियों, और मेरे लिए ही नहीं शायद इस दुनिया में जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, जो भी इस फील्ड में है, हर इंसान के लिए ये सपना है। क्योंकि एमराल्ड का लेबल बहुत बड़ा लेबल होता है। जहां पर अगर मैं इनकम की बात करूं साथियों तो 4 लाख से समथिंग 5 लाख के बीच में समथिंग महीने की इनकम आती है साथियों। ये एक ऐसा लेबल भी आज यहां पर मुझे मिला, लेकिन मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगा साथियों, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर इसमें मेरा रोल है तो मेरी थोड़ी सी मेहनत, मेरा प्रयास, लेकिन सबसे बड़ा जो रोल है मेरे उन सभी लोगों का जिनसे मैंने सीखते हुए यहां तक पहुंचा हूं, जिनको फॉलो करते हुए मैं यहां तक पहुंचा हूं, जिनको लेकर के मैं आगे बढ़ा हूं, मेरे वो गुरु, मेरी वो प्यारी सी टीम, उन सभी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, उन सभी का आशीर्वाद है साथियों। तो मैं अपनी बातों को शुरू करने से पहले मैं अपने उन समस्त गुरुओं को धन्यवाद करना चाहूंगा और चरण स्पर्श भी करना चाहूंगा जिनके सानिध्य में आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, जिसमें मैं सबसे पहले, हालांकि मैं हर मीटिंग में बोलता हूं क्योंकि गुरु के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता है, तो मैं सबसे पहले मैं अपने उस गुरु का नाम लेना चाहूंगा, बताना चाहूंगा साथियों आप सभी को जिनके सानिध्य में आज मैं यहां तक आया हूं। सबसे पहले नाम आता है हम सबके ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवेटर, पूरे भारत में अपने सरल स्वभाव से जो जाने जाते हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व कि जो भी इंसान उनसे मिल जाए एक बार उनका ही मुरीद हो जाता है। इतनी सरलता से अपनी बातों को रखते हैं, हर माहौल में कितना भी निगेटिव माहौल हो हर समय पॉजिटिव रहते हैं। उनके पास पॉजिटिविटी की, सकारात्मकता की पराकाष्ठा है मित्रों उनके पास। तो एक ऐसे गुरु, एक ऐसे लीडर जिनके पदार्पण से मेरे जीवन के मायने, मेरे जीवन के कायदे, मेरे जीवन के फायदे ही बदल कर रख दिए साथियों। एक ऐसे गुरु जिनको आप सभी जानते हैं ग्रेट ग्रेट लीडर रमेश सर के नाम से, तो मैं बहुत ही दिल से, तहे दिल से उनको धन्यवाद दूंगा, उनको मेरे जीवन में आने के लिए, मेरी लाइफ में आने के लिए, और मेरा हाथ पकड़ के, मेरी उंगली पकड़ के यहां तक लेकर के आने के लिए साथियों। क्योंकि आज ये जो मुकाम, आज ये जो लेबल मेरे पास है साथियों, शायद आज मैं यहां पर नहीं होता अगर आज मेरी लाइफ में नहीं होते। और मेरे साथ ही नहीं, हर इंसान की लाइफ में एक गुरु का महत्व बहुत होता है मित्रों। अगर जिस दिन हमने गुरु की उंगली छोड़ दी, गुरु का साथ छोड़ दिया, आप यकीन मान लीजिए आप उस रास्ते से विमुख हो चुके हैं, उस रास्ते से भटक चुके हैं जहां पर आप जाना चाहते हैं, वहीं से आपका पतन का रास्ता फिर से शुरू हो जाएगा। तो मित्रों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, इसी क्रम में हम सबके एक ऐसे गुरु जिनसे मैं हमेशा सीखता हूं, जिनका एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी कद काठी तो थोड़ा छोटी सी है लेकिन ज्ञान उनका अनुभव इतना बड़ा है कि शायद हम सभी उनके किसी एक कोने के बराबर भी नहीं है साथियों। इतना ज्ञान भरा है उनके अंदर कि जिस भी टॉपिक पे बात कर लीजिए, हमेशा हर एक अलग अलग टॉपिक पे बात कर सकते हैं, जितनी बड़ी बातें करना चाहे भंडार है उनके पास। आप सभी जानते हैं ऐसे गुरु ओम सर जिनसे हम सभी सीखते हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ओम सर का। इसी क्रम में साथियों हम सभी के कंपनी के डायरेक्टर पंकज सर जो अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, बहुत ही सरल स्वभाव उनका भी है और बहुत ही हसमुख स्वभाव है, एक अलग तरीके का। जब भी उनसे मैं मिलता हूं मन में एक हमेशा जैसे कि खुशी सा माहौल बन जाता है, क्योंकि मुझे भी बहुत उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, और अभी 2-3 दिन पहले भी हम लोग साथ में रहे, अभी उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो एक ऐसे लीडर, मोटिवेशनल लीडर, कंपनी के डायरेक्टर पंकज सर, मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझको बहुत कुछ सिखाया है। और इसी क्रम में साथियों हम सबके गार्जियन, एक ऐसी शख्सियत जिनकी जितनी तारीफ की जाए साथियों उनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। कुछ भी आप बोल लीजिए उनकी तारीफ में वो शायद उनके लिए कम ही होगा, लेकिन फिर भी शब्दों में कुछ ना कुछ तो बयां ही करना पड़ेगा। मैं बताना चाहूंगा एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका सीधा सा सरल सा स्वभाव, जिनसे आप कभी मिलिए
तो शायद आपको एहसास होगा कंपनी के मैनेजिंग चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये, कंपनी मालिक हैं, कभी को पता है इतना सरल स्वभाव कि आप पहचान ही नहीं पाए, अगर कोई बताए ना तो शायद आप पहचान नहीं सकते। सिंपल भी सा जीवन है उनका, सिंपल साधारण सा जीवन है उनका रहन सहन, लेकिन बात उनकी सोच, उनका आचरण, उनका व्यवहार लोगों को आगे तक ले जाने की उनकी सोच बहुत बड़ी है मित्रों। तो एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने प्लान बनाया, एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसे प्रोडक्ट को डिजाइन किया जिसने आज पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया को रूपरेखा बदल दी, कि उन्होंने नींव रखी हुई है एक ऐसे गार्जियन हम सबके पिता इस बिजनेस में, मनी ग्रेट 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 दद्दा जी, जिनको मैं चरण छू करके मैं अपनी तरफ से दिल से धन्यवाद करता हूँ, दिल की गहराइयों से, दिल के अंतिम छोर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, इसी क्रम में मैं बता आप सभी कि गुरुओं का हिस्सा अगर आपके टीम है साथियों, प्यारी सी आपकी टीम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कि आप रखा हो बचपन में कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकते, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है तो यहाँ पर ठीक ठीक प्रकार से हम आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप टीम आपके साथ नहीं है तो आप कुछ कर सकते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं आपका नाम ले पाऊंगा, लेकिन कुछ लोग नाम जरूर लेना चाहूँ, जिस सबसे पर नाम लेना चाहूंगा अपनी टीम एक लीडर जिन्होंने भी हाल ही में एक एवल अचीव किया, पर्ल का जयराम सर, रानी मैडम पर्ल हुई अभी, और बहुत सारे लोग रॉयल्टी हुए, लगभग 10 लोग अभी रॉयल्टी हुए, स्नेहा जी है, कृष्णा जी है, दास नारायण पटेल जी हैं, और राजकुमार माझी जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग, महेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, बहुत सारे लोग अगर नाम लिया जाए तो बहुत सारे लोग, देवराज जी हैं प्रतापगढ़ से, अभयराज जी हैं, बहुत सारे लोग आज अपनी टीम में जो कदम से कदम मिलाकर साथियों मेरे साथ चले, जिनके को इस बोर्ड पैनल की मीटिंग में शामिल किया गया, और उस मीटिंग में जो भी उस मीटिंग को जो रखा गया आगरा में रखा गया, और वहां पर जाने के बाद जो अनुभव हम लोगों को फील हुआ, एक ऐसा अनुभव मित्रों जो जीवन के लिए एक अद्भुत था। हालांकि कल आजाद सर ने भी उसकी चर्चा किया था, लेकिन मैं भी अपना अनुभव जरूर आपसे बताना चाहूंगा कि कंपनी ने एक ऐसी तैयारी कर रखी है मित्रों आप सभी के लिए, कि अगर हम सभी आगे अगर लगातार लगन से अपने आप को लगाए रह गए तो साथियों अब वो होने जा रहा है जो शायद हमने कभी सोचा नहीं होगा। क्योंकि अब कंपनी, जैसे आजाद सर ने कल एक बात कही थी कि अब तो शुरुआत हो रही है, ठीक उसी प्रकार से यूं कहें अब तो सही मायने में जेएमबीडी की अब शुरुआत हो रही साथियों। आने वाला 2 से 5 साल का जो समय होगा, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में अपना एक अलग परचम लहराने वाली है। तो साथियों वहां का जो अनुभव रहा, जैसा कि आप सभी को पता है कि 5-स्टार होटल में दत्ता जी ने ये मीटिंग रखी थी, जहां पर जाने के बाद जैसा कि हम सभी के लिए कभी सपना होता था, हम सभी सिर्फ नाम सुनते थे 5-स्टार होटल, लेकिन साथियों कभी जाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। हालांकि होटलों में रुकने का अवसर तब लगातार हम लोगों को प्राप्त होता है, जगह जगह जाते हैं, लेकिन 5-स्टार होटलों में रुकने का अवसर अभी तक नहीं प्राप्त हुआ था, लेकिन दद्दा जी ने उस कमी को भी पूरा कर दिया साथियों। मैं दद्दा जी को दिल से धन्यवाद करता हूँ, ये अनुभव जो जीवन में कभी सपना था दद्दा जी ने पूरा किया, और हम सभी दिल से उनको धन्यवाद करते हैं। वहां पे जाने के बाद वो अनुभव था साथियों, शायद जुबान से बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो गया था वो आंखों में जो कैद हुआ है। हालांकि बहुत सारी फोटोएं आप सभी को ग्रुप में भेजी भी गई थी, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन कितनी भी फोटोएं भेज दीजिए, लेकिन वो जो चीज हम लोगों ने अनुभव किया वो शायद कोई और अनुभव ना कर सकेगा जो वहां पे नहीं गया था। तो इसके अनुभव के लिए वो अवसर भी हम सभी के पास फिर से आने वाला है, उस पर भी अभी चर्चा करेंगे मीटिंग के लास्ट में। लेकिन मित्रों जो वहां पर बातें हुई, जो वो अनुभव मिला उस बोर्ड पैनल में सभी के साथ में, लगभग 24 घंटे रहने का, 2 दिन का जो हम सभी को एक साथ रहने का जो अवसर प्राप्त हुआ, एक दूसरे के साथ, आजाद जी के साथ, मुकेश जी के साथ,
रुद्र श्री मिश्रा सर के साथ, पंकज सर के साथ, ओम सर के साथ, दद्दा जी के साथ, जराम सर के साथ, जितने भी लोग वहां पे पहुंचे बोर्ड पैनल की मीटिंग में, बहुत ही अलग अनुभव रहा। आपस में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला और आपस में एक अलग सामंजस्य बनाया हम लोगों ने। और जो तमाम कंपनी की बहुत सारे कुछ नए रूल्स रेगुलेशन पे जो बातें हुई, जो बहुत ही बेहतर रहा, जो आगे चल के आप सभी को पता चलने वाला है। हालांकि दद्दा जी ने कुछ पॉइंट्स में कल चर्चा भी किया था आजाद सर ने, तो साथियों ये आगे चल के बहुत ही बेहतर हम सभी के लिए होने वाला है। तो साथियों ये जो अवसर कंपनी ने हमको दिया है, बहुत गर्व का विषय है मित्रों कि कंपनी के बोर्ड पैनल में शामिल होना। जैसे कि कहें कि अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर थे, एक वर्कर थे, एक कस्टमर थे, एक ग्राहक थे, लेकिन साथियों अब तो हम लोग उस लेवल पर पहुंच गए हैं, उस मीटिंग पे पहुंच गए हैं, उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि कंपनी का हिस्सा हम लोग बन चुके हैं। तो साथियों कंपनी का हिस्सा बनना बड़ी बात तो है, लेकिन उससे बड़ी बात हम ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि हम लोगों की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। क्योंकि जितना बड़ा आपका कद होगा, जितना बड़ा आपका पद होगा, उतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। क्योंकि जब तक अगर आप जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे, उस पद का, उस कुर्सी का, उस लेवल का कोई महत्व नहीं होता है। तो जैसे दद्दा जी हम सभी को जिम्मेदारियां, जिस विश्वास के साथ दद्दा जी ने जो हम लोग जिम्मेदारी सौंपी है, उस विश्वास पर निश्चित तौर पर दद्दा जी को हम आश्वस्त कराते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि दद्दा जी ने जो भी सोचकर हम सभी को उस पैनल में शामिल किया है, उस पर 100% खड़े उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं अपनी तरफ से भी और उन सभी बोर्ड मेंबर के तरफ से दद्दा जी को आश्वस्त कराता हूं, क्योंकि सभी ने कहीं ना कहीं मन में ये ठान लिया है, सभी ने अपनी अपनी आने के बाद ये तैयारी भी करनी शुरू कर दी है, सभी ने अपनी अपनी कमर कस ली है। तो मित्रों ये समय बहुत बड़ा होने वाला है, दद्दा जी के विश्वास पर हम सभी बहुत बड़ा करने वाले हैं। साथियों आज की मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अभी अपने जो टॉपिक के बाद फिर से कुछ बातें की जाएंगी। तो मित्रों आपका जैसा कि टॉपिक है आप सभी को जानकारी है, टॉपिक हालांकि बहुत अच्छा है, अब कौन इस टॉपिक को कितना समझ पाएगा, इस टॉपिक को कितना वो आत्मसात कर पाएगा, कितना रियलाइज कर पाएगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि टॉपिक हमने रखा था ओवर थिंकिंग से बचें, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही, हो सकता है बहुत सारे लोग सोचते हैं इसका क्या मतलब, ओवर थिंकिंग से बचें इसका क्या मतलब होता है, तो अभी मैं इसको आप सबको क्लियर भी कर दूंगा साथियों। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी कहानी, और कहानी के साथ मैं अपनी बातों पर अपने टॉपिक पर आ जाऊंगा। साथियों एक कहानी है एक ऐसे हुनरबाज की, जो बहुत बड़ा एक ऐसा हुनरबाज था जिसके पास ताले खोलने का हुनर था। कितना भी पुराना ताला उसको दे दीजिए, कितना भी पुराना ताला हो, वो खोलने में माहिर था। साथियों उसके पास आप चाहे कई साल पहले भी चाबियां खो चुकी थी, उसके बावजूद भी उस ताले को उसने खोला था। उसके इस हुनर को देखते हुए, उसकी इस कला को देखते हुए उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैल चुके थे। हर व्यक्ति के जो भी उसके बारे में सुनता है कि एक ऐसा भी व्यक्ति है जो किसी भी प्रकार का ताला हो, चाहे कितना पुराना ताला हो, किसी भी वैरायटी का ताला हो, वो खोल सकता है चाबी हो या ना हो। उसके चर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते 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 इतना फैल चुके थे कि धीरे धीरे वो मीडिया में आने लगा, पेपर में आने लगा, टीवी में आने लगा और लोगों की नजर में वो छा चुका था। तब एक व्यक्ति ने उस व्यक्ति से मिलना चाहा और मिल करके उसका इंटरव्यू लेना चाहा, इंटरव्यू लिया और उस बातों में उसने उसका एक एग्जीबिशन रखा, एक प्रदर्शनी रखी, उससे बातचीत करके कि मैं आपके लिए एक ऐसा एक प्रदर्शनी रखना चाहता हूं जहां पर आप हालांकि
कान दूंगा, अगर होते हैं आप तो मैं आपको 10 लाख इंसान को एक बार सही काम तो आदमी करने के लिए तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि लोग गलत काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हालांकि वो तो सही काम था, वो व्यक्ति तैयार हो गया, उसने कहा ठीक है मैं आपके इस एग्जीबिशन में तैयार होने के लिए तैयार हूँ, शामिल होने के लिए। तो वो प्रदर्शनी रखी गई, उस समय आया एक स्विमिंग पूल के किनारे वो प्रदर्शनी रखी गई, वो आया और बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा थे, चारों तरफ लोग इंतजार में थे कि कब ये प्रदर्शनी शुरू हो, कब वो व्यक्ति अपनी कला का प्रदर्शन करे। लोगों में भीड़ में बहुत ही चर्चा का विषय था, लोग बहुत ही उत्साहित थे देखने के लिए लोग कि कब ये माहौल शुरू होगा, कब हम उसकी कला का प्रदर्शन देखेंगे। और कुछ समय के बाद वो शुरुआत हुई उस प्रदर्शनी की, वो व्यक्ति आया वहां पे पहुंचा और वो एक स्विमिंग पूल के किनारे ये प्रदर्शनी रखी गई थी। तो उस स्विमिंग पूल में एक बड़ा सा बक्सा मंगाया गया था, उस बड़े से बक्से में एक ताला, एक ऐसा ताला लगा दिया गया था और उसको बंद कर दिया गया था, उसी ताले के अंदर बक्से में बंद कर दिया गया और उसको बोला गया कि आपको ये ताला खोल के पानी से बाहर आना है। हालांकि उससे पहले पूछा गया कि आपको तैरना आता है या नहीं, उसने बोला कि नहीं मुझे तैरना आता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा मैंने बचपन में मैंने तैरना सीखा था, मुझे तैरना आता है। तो उसने कहा ठीक है। अब उसको उस ताले के अंदर बंद कर दिया गया, बक्से के अंदर बंद कर दिया गया और जाने से पहले उससे एक बात और बोली गई कि अगर आपको लगे कि आप इस ताले को नहीं खोल पाएंगे तो इसमें एक ऐसा भी इमरजेंसी स्विच दिया गया है जहां पर आपको लगे कि आपकी सांसें अब टूटने वाली हैं, आप इस ताले को नहीं खोल पाएंगे, आप उस बटन को, उस स्विच को दबा दीजिएगा और हमारे जो सुरक्षा गार्ड हैं वो तुरंत आपको इस बक्से को खींच लेंगे और आपको बाहर निकाल लेंगे। जैसे उस हुनरबाज के सामने इस बात को रखा गया, वो व्यक्ति हंसने लगा। उसने कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट था, उसको अपने ऊपर इतना विश्वास था, इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो हंसने लगा, उसने कहा कोई बात नहीं, और अब धीरे धीरे उस बक्से को पानी में, उस पूल में डालना शुरू किया गया। उस बक्से में उसको बंद करने के बाद जैसे ही बक्सा नीचे पहुंचा, अब उसने अपना काम शुरू किया, उस ताले को खोलना शुरू किया। धीमे धीमे ताले को खोलना जैसे उसने शुरू किया, अब प्रयास अपने बढ़ाया लेकिन ताला खुल नहीं रहा था। उसने अपनी सारी ट्रिक्स जो जो उसने सीख रखा था, जितने भी ताले उसने आज तक खोले थे, जितने भी ट्रिक्स उसको पता थे, जितने भी हुनर उसको आते थे, वो सारा कुछ उसने अपना आजमा लिया, लेकिन दुर्भाग्य से वो ताला नहीं खुल पाया और वो सोच में पड़ गया कि आखिर अगर ये ताला नहीं खुल पाया तो मैं क्या करूंगा। अब हालांकि उसके पास ऑप्शन था उस इमरजेंसी स्विच को दबा देना, उसके लिए बहुत ही आसान था, लेकिन वो इस सोच में पड़ गया कि अगर मैंने स्विच को दबा दिया तो अगर मैं बाहर जाऊंगा तो लोग क्या क्या सोचेंगे, मेरे उस कला का जो मेरे एक छवि बनी है लोगों के मन में, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। बहुत कुछ सोचता रहा अपने उस बारे में कि लोग क्या सोचेंगे। इस चक्कर में वो बहुत परेशान हो गया, लेकिन अंततः जब वो ताला नहीं खुला, परेशान हो गया, उसकी सांसें टूटने लगी, मजबूरन उसने कहा कि सबसे पहले लोग क्या सोचेंगे वो तो बाद में होगा, अगर मैं जिंदा ही नहीं रहा तो लोगों को सोचने से क्या फर्क पड़ता है। इस बात को सोचते ही उसने तुरंत अपना स्विच ऑन कर दिया, उस इमरजेंसी स्विच को दबा दिया और जैसे ही स्विच को दबाया गया, गार्ड लोगों ने, जो सुरक्षा गार्ड जो लगे थे, वॉलंटियर लोग, फट से उन्होंने उसको बक्से को बाहर खींचा और जैसे ही बक्से को बाहर खींचा, वो बंदा बाहर आया, उस बक्से को जैसे ही किया गया, उस बक्से को खोला, तुरंत ही उसने देखा जैसे कि उस बक्से एक, यानी कि उसको बाद में ये बात समझ में आई कि बक्सा
जो रखा गया था, जो प्रदर्शनी रखी गई थी, बक्सा अपने आप खुल गया। देखा जा रहा जैसे वह किनारे गया, ताला खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे वो बक्सा अपने आप गया। उसको ये बात समझ में आ गई कि प्रदर्शनी सारी रखी गई थी कि हम जो सोचते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा कुछ सोच ले जाते हैं जो हमको नहीं सोचना चाहिए। हम ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं कि अगला क्या सोचेगा। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला क्या सोचेगा। आ साथियों, हम लोग इस कहानी का यही सार है, यही कहानी का यही सारांश है कि हमेशा हम लोग इतना अधिक सोच ले जाते हैं जो शायद हम लोगों को पीछे धकेल देता है। हम कुछ भी काम करने के लिए जाते हैं, हम वो भी सोच ले जाते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, जबकि शायद वो ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहा है, लेकिन हमने उसको पहले ही सोच लिया। हमने जो वो सोचने वाला है कि नहीं सोचने वाला पता नहीं, लेकिन हमने पहले से ही सोच लिया वो क्या सोचेगा। और इसी चक्कर में हम वो काम नहीं कर पाते हैं जो काम शायद हम करके बहुत बड़ा कर सकते हैं। साथियों, सब कुछ हम ही सोच लेते हैं, यही कमी हम लोग करते हैं। साथियों, ये होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसे तमाम बातें हम सोच लेते हैं। मैं इस काम को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, टूर पर जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, इस टारगेट को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, करोड़पति बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, ये तमाम ऐसी बातें साथियों हम अपने आप से सोच लेते हैं। सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, ऐसी तमाम बातें हम सब सोचने लगते हैं। क्या मैं भी कभी रॉयल्टी बन पाऊंगा, क्या मैं भी कभी टेक्निकल बन पाऊंगा, क्या मैं भी कभी एमराल्ड बन पाऊंगा, क्या मैं भी कभी डायमंड बन पाऊंगा। साथियों, ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमारे मन में अपने आप आते रहते हैं। हम फील्ड में जाने से पहले सोचते हैं कि हम जहां पर जा रहे हैं पता नहीं कोई रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। हम मीटिंग करने जा रहे हैं, मीटिंग में हम प्लान करेंगे, उस प्लान को बताने के बाद सामने वाला क्या सोचेगा, वो ज्वाइनिंग करेगा कि नहीं करेगा, प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा, तमाम ऐसी बातें हम अपने मन में सोचते रहते हैं, जिस चक्कर में हम अपना वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं सही मायने में जो हमको देना चाहिए। क्योंकि अधिक सोचने पर साथियों, जब हम अधिक सोचते हैं तो अपने आप सब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। अगर हम पूरी बातें कॉन्फिडेंस के साथ हम रखना शुरू कर दें, सिर्फ और सिर्फ ये सोचें ये तो मैं अपनी बात को रखूंगा तो निश्चित तौर पर मेरी बातों को समझेगा, लेकिन जब हम अपने मन में तमाम तरीके की बातें सोच ले जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस वहीं पर कमजोर हो जाता है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखना है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस मजबूत रहा तो सामने वाला कोई भी हो साथियों, तो चाहे कुछ भी हो, किसी भी पद पर हो, कुछ भी इनकम करता हो, कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। अगर हमने विश्वास के साथ अपनी बात रख दी सामने वाले के सामने, तो आपके साथ उसको आने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है वो तुरंत आपके साथ ना आए, इमीडिएट आपके साथ ना आए, लेकिन आज नहीं तो कल फॉलो अप करते रहेंगे तो निश्चित आपके साथ आएगा। आज बहुत से साथी ऐसे हैं जो तमाम निगेटिव थॉट्स लेके आते हैं। बहुत से लोग तो आज ऐसे हैं जिनको अभी यही विश्वास नहीं है कि वो कभी रॉयल्टी बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। साथियों, हालांकि ऐसा कभी मेरे साथ भी होता था, ये शुरुआत में हो सकता है सभी के साथ होता हो, लेकिन जब तक इस सोच को हम नहीं बदलेंगे, इस थिंकिंग को हम नहीं चेंज करेंगे, तो साथियों यकीन मान लीजिए, अगर हमें खुद में विश्वास नहीं है तो सामने वाला कैसे विश्वास करेगा। तो पहले किसी भी चीज को, किसी भी काम को करने से पहले हम खुद पर विश्वास करें कि मैं ये काम कर सकता हूं। सामने वाले को सोचने दीजिए वो क्या सोचेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है उसके दिमाग में कुछ होता भी नहीं है, लेकिन हम ये सोच ले जाते हैं वो क्या सोचेगा। तो हमको ये नहीं सोचना है, हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमें क्या करना है। तो साथियों, मैं अभी जैसे कि चर्चा हो रही थी कि अभी हम सब वहां पे गए लागरा में, ऐसी बहुत सारी बातें वहां पर हुई। दत्ता जी ने जो हम सभी को बताया बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत ही अपने आप में कंपनी की जो फ्यूचर प्लानिंग को हम लोगों ने सुना और जाना बहुत अच्छा लगा। और जो जो बातें हुई वहां पर वो अपने आप में बहुत ही यूनिक थी, और सभी ने अपनी बातों को भी रखा, अपना विचार भी रखा,
सभी की प्लानिंग बहुत बड़ी थी और जो अनुभव हम सबको वहां पे मिला ये अपने आप में बहुत अलग था। तो मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं वहां की, लेकिन वो अनुभव आप सभी के पास पाने का अवसर है। वो अवसर दद्दा जी ने हम सभी को दे रखा है। आने वाले समय में जो टूर का जो हम सभी के पास एक कंपनी ने विकल्प दिया है, एक ऐसा माध्यम दे रखा है कंपनी ने, जो हम सभी भी वो जो अनुभव हम सभी लेकर के वहां पर आए हैं आप सबके पास भी है। आने वाला समय, हालांकि समय हम सभी के पास सिर्फ 30 मई तक का था, 31 मई तक का था, लेकिन दद्दा जी ने उस समय को बढ़ा करके 30 जून तक कर दिया है। तो जो साथी छूट गए हैं, जो साथी रह गए थे, उनके लिए भी ये अवसर फिर से मिल गया है कि 30 जून तक उस टारगेट को पूरा करके इस अनुभव को ले सकते हैं टूर का, जो अभी 2 दिन पहले हम लोग लेकर के आए हैं। साथियों, यकीन मानिए, उस अनुभव को लेने के बाद आपको पता चलेगा ये JMED आपको कहाँ ले जाना चाहता है। आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी लाइफ स्टाइल बदल जाएगी, आपका रहन सहन बदल जाएगा, आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा। कंपनी आपको उस लेवल पर ले जाना चाहती है साथियों। तो साथियों, मैं आगे बढ़ता हूं। अभी एक छोटी सी कहानी के साथ में मैं कहानी बताना चाहूंगा आप सभी को, अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी कहानी और है। और ये कहानी है एक ऐसे वेटर की जिसका नाम चंदन था। वह हमेशा बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ अपना काम करता था, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता था। और उसके जानने वाले लोग जब भी उससे बात करते थे, उससे बोलते थे कि आप इस वेटर का काम क्यों, आपकी इतनी अच्छी सोच है, आप वेटर का काम क्यों करते हो। तो उसने कहा कि मैं अपने इस काम से संतुष्ट हूं और मुझे इस काम में मजा आता है और मैं वही काम करता हूं जिस काम में मुझे मजा आता है। उसने लोगों ने कहा कि आप चाहो तो इस काम को छोड़कर दूसरा काम कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो। उसने कहा मैं बहुत अच्छा हूं, इसीलिए तो मैं उसी काम को करता हूं जिसमें मुझे मजा आता है। तो साथियों, वो जिस रेस्टोरेंट में काम करता था वो अकेला था उस दिन, सारा स्टाफ जा चुका था। एक दिन वो अकेला था अपने उस रेस्टोरेंट में और शाम को वो अपना जो रेस्टोरेंट का पीछे का गेट बंद करना भूल गया और उसी दिन संयोग से दुर्भाग्यवश कुछ चोर लोग वहां पर घुस आए, 4-5 लोग बंदूकों के साथ लैस थे वो। और जैसे वो घुसे वहां पे, चूंकि और कोई था नहीं, वो बंदा अकेला था, और उसको उन लोगों ने पकड़ लिया और बोला कि चलो और इस जो इसकी तिजोरी है इसको खोलो। अब वो बंदा हालांकि पहले नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो बंदा करता भी तो क्या करता, क्योंकि तिजोरी खोलना उसके, क्योंकि हालांकि वो जानता था कि तिजोरी का पासवर्ड वो जानता था, लेकिन वो खोलना नहीं चाह रहा था। तो लोग बार बार उसको बोले कि तिजोरी को खोलो, लेकिन जब जब भी वो उसको बोलते, वो डरते हुए कांपते हुए उस तिजोरी में नंबर तो डाल रहा था, पासवर्ड तो डाल रहा था, लेकिन गलत पासवर्ड डाल रहा था। और जब जब वो गलत पासवर्ड डालता तिजोरी नहीं खुल रही थी, और फिर से उसको मारते डांटते कि तिजोरी को खोलो, क्योंकि उनको पता था कि ये उस रेस्टोरेंट के मालिक का बहुत ही वफादार आदमी है और इस तिजोरी को ये खोल सकता है, लेकिन ये खोल नहीं रहा। कई बार लोगों ने उसको बोला लेकिन वो नहीं खोला, बार बार गलत पासवर्ड डालता रहा। अंत में उन 5ों में से एक जो चोर था बहुत ही गुस्से वाला था, गुस्से में आकर के उसने बंदूक उठाई और उसको गोली मार दी। उसने उसके सीने में गोली उतार दी और जैसे ही गोली उतारी फट से वो बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। अब जब वो जमीन पर गिर पड़ा, सारे चोर सारे डाकू डर करके वहां से भाग गए। और जब वो भाग गए, कुछ देर के बाद वहां पर वो सारा स्टाफ पहुंचा, वो सारा स्टाफ वहां पर फिर से आया। जो वहां से कुछ जा चुके थे स्टाफ ने देखा जब वो जमीन पर पड़ा था, उसको उठा करके लोग ले गए हॉस्पिटल में, लोग एडमिट करवाए और वहां पर उसका लगभग 20 से 22 घंटे उसका इलाज चला। 20 से 22 घंटे इलाज चलने के बाद जब वो होश में आया, अब होश में आया उसके बाद लगभग 2 से 3 महीने उसका इलाज चला। लेकिन होश में आने के बाद जब
थोड़ा सा वो रिकवर कर गया, उसको घर पर शिफ्ट कर दिया गया और घर पर शिफ्ट हो गया, आराम से घर पर रहने लगा, घर पर उसकी सेवा होने लगी, खान पीन बढ़िया, फल फूल, मतलब पूरा सेवा उसकी वहां पर घर पर होती रही। धीरे धीरे वो स्वस्थ हो रहा था। स्वस्थ होते होते एक दिन उसका मालिक वहां पर आया उससे मिलने के लिए और उसने उससे पूछा कि कैसे हो। उसने कहा, मालिक मैं बहुत अच्छा हूँ। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मालिक मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ही स्वस्थ हूँ, बहुत ही बेहतरीन महसूस कर रहा हूँ। उसके मालिक ने कहा, तुम ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में हो तब भी तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें जरा सा भी वो नहीं है। उसने कहा, मालिक मैं आपसे क्या बताऊं, मैं जब हॉस्पिटल, जब मुझे गोली लगी थी, जब लोग मुझे ले जा रहे थे, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तो जब मैं रास्ते में था तो जो डॉक्टर पैनल वहां पे था मेरे साथ में, वो लोग बहुत घबराए थे, लेकिन जब मुझे रास्ते में ले जाया तभी मुझे हल्का हल्का होश आ गया था। लेकिन उसके पहले जब मैं वहां पे पड़ा था, जब चोरों ने मुझे गोली मारी थी, मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं मौत को स्वीकार कर लेता, या तो मैं सकारात्मक सोच के साथ कि नहीं मुझे जिंदा रहना है, मुझे भी मरना नहीं है, दो ऑप्शन मेरे पास थे। मैंने दूसरा ऑप्शन स्वीकार किया, नहीं मुझे मरना नहीं, मुझे स्वीकार, मुझे भी जिंदा रहना है। मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि नहीं मुझे अपनी जिंदा रहना, मुझे मरना नहीं। मैंने दूसरा रास्ता स्वीकार किया और अपने आप को अंदर से मजबूत किया। और जब वो लोग मुझे ले जा रहे थे रास्ते में इलाज के लिए, तो मैं हल्का हल्का, मुझे चूंकि होश था, लोग जो डॉक्टर पैनल था वो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि कैसे इसका इलाज, वो लोग डर रहे थे मेरा इलाज करते हुए। तो मैं जब मैंने इस बात को देखा तो मैंने उनसे बोला कि आप लोग क्यों डरते हैं, मैं जीना चाहता हूं, आप मेरा इलाज कीजिए। वो सोच रहे थे कि कहीं इसका हम इलाज करें, कहीं ये मर ना जाए। तो उसने बोला कि आप बिल्कुल डरिए मत, मेरा इलाज कीजिए, मैं जीना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें डर नहीं लगा? उसने कहा, नहीं मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि मैं उस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ था कि मुझे जीना है, मुझे पूरा विश्वास था। तो साथियों, कहने का मतलब ये रहा कि उसकी सोच सकारात्मक थी कि मुझे जीना है। डॉक्टरों ने मुझे मेरा इलाज किया, मुझे होश आया, हो सकता है कि शायद मैं अपनी सकारात्मक सोच की वजह से शायद मैं जिंदा ना बचा, हो सकता है डॉक्टरों ने अच्छे का अच्छा इलाज किया इस वजह से मैं बच गया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं, जो मेरी एक सोच थी पॉजिटिव वाली सकारात्मक सोच, शायद उसका भी उसमें बहुत बड़ा रोल रहा। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि इस सकारात्मक सोच का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। हम अगर अपने जीवन में, अपने व्यापार में, ये सकारात्मक सोच हर जगह काम आती है, चाहे जहां पे लगा दीजिए, आप किसी भी फील्ड में रहिए, अगर आप इस सकारात्मक सोच के साथ आप काम करते हैं तो यकीन मानिए आपका कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। आज आप देख लीजिए, फील्ड में हम जाते हैं, जब हम एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लोगों को प्लान दिखाते हैं तो उसका रिजल्ट अलग आता है, अगर हम निगेटिव थिंकिंग के साथ रिजल्ट दिखाते हैं तो रिजल्ट अलग आता है। क्योंकि जब हम स्वयं में पॉजिटिव नहीं है तो रिजल्ट पॉजिटिव कहाँ से आएगा। आज लोग निगेटिव सोच सोच के लोग बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लोग सब कुछ पहले ही सोच लेते हैं, अरे कुछ सामने वाले को भी सोचने दो। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो आप कोई भी काम आप कर सकते हैं, लेकिन सोच आपकी सकारात्मक होनी चाहिए। आज इसी सोच के साथ आज दुनिया में जितने भी सफल लोग, जितने भी, आप किसी का भी इतिहास उठा के देख लीजिए, आज से आप पूछेंगे तो एक बात जरूर कहेगा, मेरे जीवन में एक शब्द और एक बात हमेशा मेरे साथ रही, सकारात्मकता। मैं कभी भी अपने उस लक्ष्य के प्रति कभी निगेटिव नहीं हुआ कि मैं इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। हाँ, समस्याएं आई, मुश्किलें आई, लोगों ने बहुत सारी अड़चने लगाई, लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन मैंने कभी भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान दिया तो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर, अपने टारगेट की ओर, अपने उस एम की ओर, क्योंकि मेरा लक्ष्य मुझे दिख रहा था, सिर्फ मेरा गोल दिख रहा था। अगर आज मैं उस लक्ष्य को नहीं देखता, जरा सा निगेटिव हो जाता, तो शायद आज मैं सफलता के रास्ते पर नहीं चल पाता। तो आज किसी से भी आप मिलिए, इस बात को बोलेगा,
जितने भी सफल इंसान हैं, और मुश्किलें साथियों किस इंसान के जीवन में नहीं आती। मुश्किलें आना तो साथियों जीवन में एक ये प्रोसेस है, एक ये प्रोसेस है जीवन में मुश्किलें आना। और इन्हीं मुश्किलों के आने से जब हम डर जाते हैं, भाग जाते हैं, वहीं पर हम रह जाते हैं। और अगर आपके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं तब भी आप सकारात्मक रहिए, क्योंकि आपको बता दूं साथियों कि मुश्किलें भी आपका एक सीढ़ी का पायदान है। सफलता या आपका गोल या आपका जो मुकाम है उसके बीच में जो सीढ़ी लगाई गई है, उस सीढ़ी का पहला पायदान है मुश्किलें। निगेटिविटी आपके मन में आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो आना तय है। लेकिन इनसे जो व्यक्ति लड़ करके, इनसे जूझ करके जो आगे निकल जाता है, वही उस सफलता के आसमान को छूता है, वही उस सफलता को चूमता है और उस सारी चीजें वो हासिल करता है जो जीवन अपने चाहता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग को हमको हमेशा लेके चलना है। हमारे साथ में अगर ये सोच रहेगी तो हमें आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है साथियों। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आज अपने साथ में, आज अपनी टीम में अगर मैं बात करूं, बहुत सारी तैयारी, हालांकि एक ऐसी तैयारी, अब चूंकि जब से ये मीटिंगों का सिलसिला शुरू हुआ, इधर बीच हम लोगों ने कुछ नई चीजें, हालांकि नई नहीं कर सकते हैं, चीजें तो एमएलएम की बहुत पुरानी चीजें हैं लेकिन लोग फॉलो नहीं कर सकते। आज हम लोग धीरे धीरे हमने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। अपनी टीम में हमने उस चीज को फॉलो करना भी शुरू कर दिया है कि लोग जो एमएलएम का एक जो नियम होता है कि सबसे पहला, कहते हैं कि एमएलएम चार स्टेप में चलता है। सबसे पहला जो होता है आपका ग्राउंड वर्क, वन बाय वन जो प्लान करना होता है साथियों, सबसे पहला तो वो होता है। दूसरा होता है होम मीटिंग, तीसरा होता है मीटिंग, और चौथा होता है आपका सेमिनार। बड़ी बड़ी मीटिंग है साथियों, चार चरण में आपका एमलम का सिस्टम चलता है साथियों। और जब तक हम इस सिस्टम को अपने जीवन में नहीं शामिल करेंगे, यकीन मानिए हम कितनी भी ताकत लगा लें, कितना भी प्रयास कर लें, हम कितना भी समय लगा दें, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल नहीं, पूरा जीवन लगा दीजिए साथियों, इस एमलम इंडस्ट्री में आप सफल कभी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये तो चलेगा अपने नियमों से, जिस प्रकार से हर चीज के अपने रूल्स होते हैं, सड़क पर चलने के अपने रूल्स होते हैं, गाड़ी चलाने के अपने रूल्स होते हैं, खेती करने के अपने रूल्स होते हैं, नौकरी करने के अपने रूल्स होते हैं, ट्रेन चलाने, हर चीज का अपना एक रूल्स होता है साथियों। उसी प्रकार से इस एमलम में भी एक रूल्स होता है, अगर उस रूल को हम नहीं फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आप एक औसत दर्जे पर ही रह जाएंगे, या हो सकता है उससे नीचे भी आप रहें और असफलता की श्रेणी में चले जाएं। और वो रूल्स जैसा कि मैंने बताए, एमएलएम के चार रूल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, ये पहला होता है ग्राउंड मीटिंग, होम मीटिंग और मीटिंग, फिर इसके बाद बड़े बड़े फंक्शन, जैसा कि अभी हम लोगों ने 23 अप्रैल को बड़ा फंक्शन किया। इस प्रकार के ग्राउंड मीटिंग हालांकि सभी लोग कर रहे हैं वन बाय वन, होम मीटिंगों की शुरुआत भी हम सभी को लगातार अब करनी पड़ेगी, जिसकी शुरुआत हम लोगों को करना है। और मीटिंग्स जो होती है उसकी शुरुआत हम लोगों ने कर दी है अभी, जैसा कि अभी आपने देखा 14 मई को भी हम लोगों ने एक बहुत अच्छी मीटिंग, एक सेमिनार को हम लोगों ने सफल बनाया। अभी आपको 2 तारीख को इटावा में एक अच्छा सेमिनार अमित जी के माध्यम से सफल रहा, बहुत ही जबरदस्त तैयारी के साथ में, जहां पे दद्दा जी का भी आगमन हुआ और बहुत ही सफल सेमिनार रहा, इतना बेहतरीन रहा जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन अभी हम लोगों ने मेगा फंक्शन भी किया, सेमिनार भी किया, ग्राउंड वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन छूट रहा है तो एक दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इन तीनों को अगर हमको हिट करना है, दोनों को, अगर सेमिनार और मेगा फंक्शंस को अगर हमको हिट करना है, बहुत बड़े मुकाम पे सफल बनाना है, उसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा मित्रों, वो होती है आपकी मीटिंग। मीटिंग जो होती है 15 लोगों की, 20 लोगों की, 25 लोगों की, 30 लोगों की, 40 लोगों की, तो छोटी छोटी मीटिंगें हर लीडर अपने स्तर पर करता है, वहां पर किसी बड़े लीडर की आवश्यकता नहीं होती है, वहां पर आप स्वयं लीड करते हैं।
जहां पर आप स्वयं जाते हैं, अगर आप लोगों की 10 लोगों की टीम है तो आप 10 लोगों की मीटिंग आप स्वयं करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनके टीम में जाते हैं, उनके यहाँ मीटिंग लगवाते हैं। लगातार आप अगर इस चीज को करते जाएंगे तो यकीन मानिए आपका बिजनेस इस गति से बढ़ेगा जिसको आप समझ भी नहीं पाएंगे। आज हो क्या रहा है, हम बस प्लान दिखाते हैं, यहाँ तक कि लोग प्लान भी कम दिखा रहे हैं, लोग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर लगे हुए हैं। लेकिन हालांकि अब उस चीज की शुरुआत हो चुकी है, बिजनेस बिल्डिंग क्लब में अब लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है और इस बिजनेस बिल्डिंग क्लब में काम करने का रिजल्ट परिणाम हम सभी के पास है जो आप सभी ने 23 अप्रैल को आपने देखा है। और अब सभी को, जो लोग नहीं भी कर रहे हैं, उन सभी को मैं कहना भी चाहूंगा कि बिजनेस बिल्डिंग क्लब को ही ताकत बनाएं, क्योंकि अगर हम लोग प्रोडक्ट ही बेचते रह गए, चूर्ण बेचते रह गए, सिर्फ साबुन बेचते रह गए, सिर्फ मंजन बेचते रह गए, तो साथियों हम आप जिस इनकम के लिए यहाँ पर आए हैं शायद वो हासिल नहीं होगी। तत्कालिक इनकम 100, 200, 400, 500 रुपए तो कमा सकते हैं, लेकिन साथियों एमलम जिस लिए बनाया गया है, साथियों 2000, 4000, 5000, 10000, 20000 कमाने के लिए नहीं बनाया गया है, इसको आप जान लीजिए। अगर कोई भी साथी इस मानसिकता के साथ इस बिजनेस में आया है कि सिर्फ मुझे 10000, 20000, 25000 आने लग जाए तो मेरा जीवन चलता रहेगा, धन हो जाएगा, यकीन मानिए साथियों ये बिजनेस उसके लिए नहीं है। इससे बेहतर वो जिस काम को शायद पहले करता रहा होगा, ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल काम, इससे बेहतर तो वो वहां पे कर सकता है। लेकिन अगर वो एमएम में आया है तो इस सोच के साथ काम करे, लाखों रुपए कमाना है, करोड़ों कमाना है, तब जाके उस इस इंडस्ट्री में सफल हो जाएगा। क्योंकि जो भी इंसान, जो भी लीडर, जो भी व्यक्ति अगर इस थिंकिंग के साथ काम नहीं करेगा, वो इस पेन को, वो इस दर्द को, वो इन समस्याओं को, इन आदियों को नहीं झेल पाता है। क्योंकि छोटी मोटी चीज के लिए कोई बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं देता है। हालांकि आप ऐसी कोई कुर्बानी नहीं देनी है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज करना है, टिके रहना। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा महत्व होता है टिके रहने का, और आज ये टिके रहने का ही नतीजा है साथियों कि आज हम लोग जो 3 तारीख को, 4 तारीख को जो दद्दा जी के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई, इतना बड़ा अवसर हम लोगों को मिला, इस बोर्ड पैनल में कंपनी के शामिल होने का हम लोगों को जो अवसर मिला साथियों, ये लगातार लगन से हम लोगों धैर्य के साथ टिके रहने का ही परिणाम है जो दद्दा जी ने हम लोगों को दिया है साथियों। तो सिर्फ और सिर्फ यही इतना कठिन काम है, सिर्फ टिके रहना, जो टिका रहेगा कल उसी का सितारा चमकेगा। तो साथियों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस फील्ड में अगर हमको सफल होना है तो सोच को बदलना पड़ेगा, हजारों कमाने की सोच नहीं, हमको कम से कम लाखों की सोच से यहाँ पर आना पड़ेगा। मिनिमम से मिनिमम अगर सोचना है तो कम से कम लाख के प्लस आप सोचेंगे, तब आप यहाँ पर आने वाले जो भी छोटी मोटी मुश्किलें हैं आप उसको झेल पाए। क्यों? क्योंकि तब आपको पता होगा कि ये सिर्फ प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये तो बीत जाएगा, आज नहीं तो कल ये तो निकल जाएगा, लेकिन कल जब वो मेरी सफलता आएगी साथियों, अगर आप उस मुकाम को देख लेंगे, उस इनकम को देख लेंगे, उस एहसास को कर लेंगे, उस ग्लैमर भरी लाइफ को सुधारने में सोच लेंगे कि जो मुश्किलें आती हैं ये आपको बहुत छोटी लगेंगी, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक, जैसे कहते हैं कि शरीर में मिट्टी लग जाए उसको झाड़ दो झड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से आप समझिए ये मुश्किलें भी इसी प्रकार से हैं, आप अपने हाथ से झाड़ देंगे तो झड़ जाएगी मुश्किलें, ठीक उसी प्रकार से ये मुश्किलें भी हैं। अगर आप इस फील्ड में सफल होना चाहते हैं तो आपको इस माइंड सेट के साथ आना पड़ेगा, और उसमें सबसे बड़ा रोल, अगर हमको उस दिन पे जाना है तो हमको मीटिंगों की शुरुआत करनी पड़ेगी, साप्ताहिक मीटिंगें करनी पड़ेंगी, डे मीटिंगें करनी, साप्ताहिक मीटिंग हालांकि कहीं कहीं हो भी रही है, लेकिन अब हमको पर डे मीटिंग करनी पड़ेगी। हर लीडर को, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर उसको प्लान दिखाना आ गया है तो मीटिंग कर सकता है, टूटा फूटा ही सही, कोई जरूरी नहीं को मास्टर बन जाए, अगर छोटा टूटा फूटा भी प्लान आता है, डेमो दिखाना आता है तो मीटिंग कर सकता है। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि यहाँ पर कोई सीख के नहीं करता है, करके ही सीखता है। धीमे धीमे जो थोड़ा बहुत हम सीख गए हैं, सीखते हुए बताते हुए सीखते हुए करते रहे, धीरे धीरे अपने आप मास्टर बन जाएंगे, और यही आपको आगे लेकर के जाएगा मित्रों।
तो इसकी शुरुआत है कि हमने अपनी टीम में कर दी है। साप्ताहिक मीटिंग के साथ साथ पढ़े हर लीडर अब अपनी मीटिंगें शुरू कर चुका है। जगह जगह हो सकता है उस मीटिंग में 10 लोग बैठते हैं, कहीं 15 लोग बैठते हैं, कहीं 25 लोग बैठते हैं। मायने ये नहीं रखता है कि कितने लोग बैठ रहे हैं, मायने ये रखता है कि लोगों के अंदर लीडरशिप आ रही है। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप फ्री होते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में अगर हम आ रहे हैं तो लोड लेने के लिए नहीं, हम आप स्मार्ट वर्क करने के लिए आए हैं, हार्ड वर्क करने के लिए नहीं। आज लोग क्या है कि हार्ड वर्क कर रहे हैं। हार्ड वर्क क्या होता है? जब हम सिर्फ अकेले काम करते रहेंगे इसको कहते हैं हार्ड वर्क, जब आपकी टीम काम करना शुरू कर देगी इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। और आपकी टीम में काम होना शुरू हो जाएगा जब आप जगह जगह लोग मीटिंग करना शुरू कर देंगे, आपका बिजनेस इस गति से बढ़ेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और आपका स्मार्ट वर्क वहीं से शुरू हो जाएगा, आप फ्री हो जाएंगे। और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आने वाले समय में आप बड़े बड़े सिर्फ सेमिनार देंगे, छोटी छोटी मीटिंगें तो लोग करना शुरू कर देंगे। आप महीने में पतला 10 सेमिनार कर रहे हैं, 15 सेमिनार कर रहे हैं, इसके बाद आप फ्री हैं। क्योंकि जो इस MLM में बताया जाता है, फ्री लाइफ, आजादी, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं, आप फ्री हो जाते हैं। फ्रीडम साथियों तभी मिलेगी जब आप अपनी टीम में लोगों को तैयार करेंगे, अपनी टीम में लोगों को मीटिंग करने वाले तैयार करेंगे, लीडर तैयार करेंगे। और इस मीटिंगों की शुरुआत आप सभी से मैं बताना चाहूंगा कि आप सारे लोग छोटी छोटी मीटिंगों की शुरुआत अपनी टीम में कर दीजिए, चाहे वो 10 लोगों की टीम हो, उसको सिखाइए और वो अपनी मीटिंग स्वयं शुरू करे। अगर वो खड़ा नहीं होगा, बोर्ड में प्लान नहीं करेगा, तो यकीन मानिए वाले कभी नहीं बन पाएगा। छाटिए यहाँ पर, अगर हम एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम आप उसके साथ चलते चलते एक दिन हम आप भी टूट जाएंगे। हम आपको देखना पड़ेगा कि कौन लंबी रेस का घोड़ा है, किसके साथ काम करना, कौन दूर तक चल सकता है। अगर हम ऐसे बीज को लेकर ढोएंगे जो आगे चल ही नहीं पाएगा, तो हम अपना समय खर्च कर रहे हैं। अगर आपके साथ कोई चलने को तैयार नहीं, उसको छोड़ दीजिए, उसको सिखाइए, उसको बताइए। अगर वो सीखने को तैयार है, अगर वो चीजें करने को तैयार है, तो बिल्कुल उसके साथ लग जाइए। एक व्यक्ति को सही से तैयार कर दीजिए, एक व्यक्ति आपके हजारों के ऊपर भारी पड़ सकता है। तो सबसे पहले लोगों को सिखाइए, तैयार कीजिए और सबको मीटिंग लेने वाला बनाइए। और जिस दिन हम लोगों ने अपने ग्रुप में छोटी छोटी मीटिंगों की संख्या साथ हमने बढ़ा दी, आप यकीन मानिए इतना तेजी से व्यापार बढ़ेगा हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। हालांकि हमने अपनी टीम में इसकी शुरुआत कर दी है, पूरे हफ्ते का शेड्यूल बन चुका है, लगातार लोग मीटिंग करना शुरू भी कर चुके हैं, चाहे जयराम सर हो, चाहे स्नेहा जी हो, देवराज जी हो, तमाम लोग जितने भी लोग हैं, राजेश कुशवाहा जी हो, कृष्णा जी हो, सारे लीडर, रानी मैडम हो, सभी लोग जहां से भी हैं, सारे लोगों ने अपनी प्री मीटिंग करना शुरू कर दिया है। अभी अमित जी ने भी, हालांकि भी सर ने के माध्यम से जानकारी हुई कि अमित जी ने भी मंगलवार की मीटिंग उन्होंने शुरू कर दिया है इटावा में। लगातार उन्होंने एक मीटिंग शुरू की इटावा में, साप्ताहिक मीटिंग हर मंगलवार को, यहाँ पर अब वहां पर भी बहुत बड़ा काम वहां से बढ़ने वाला है। ये साप्ताहिक मीटिंग अमित जी ने भी शुरू कर दी है, ये बहुत अच्छा लगता है सब चीजें सुन करके। यही चीजें हम सबको करना पड़ेगा, साप्ताहिक के साथ साथ पर डे मीटिंग हमको देनी पड़ेगी। साथियों अगर जिस दिन हमने शुरू कर दिया, आप सोचिए अगर हर मीटिंग में हमने 20 लोगों की मीटिंग पर डे हमारी टीम में शुरू हो जाए, तो महीने में कितनी मीटिंग हो सकती है सोच के देखिए साथियों। 20 दिन 20 लोगों की मीटिंग पर डे होती है, तो महीने में 600 लोगों की मीटिंग होती है। जरा आंकड़ा लगा लीजिए, एक महीने में 600 लोगों की मीटिंग, और 600 लोगों की मीटिंग अगर हमने एक महीने में किया, और अगर अगले महीने हम सेमिनार करेंगे, तो आंकड़ा लगा लीजिए उस सेमिनार में संख्या कितनी होगी। हाल में लोग खड़े होकर के देखेंगे, लोगों के लिए सीटें कम पड़ जाएंगी, और हम शायद टिकट को हम फिर ऐसा बेचेंगे कि शायद जहां पर आप सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि संख्या, सारा खेल तो संख्या का है। जिस दिन आपने इस काम को शुरू कर दिया, हम बड़ी बड़ी मीटिंगों को सफल बनाएंगे। एनिवर्सरी में तो आप सोच नहीं पाएंगे, हम एनिवर्सरी को आने वाले समय में ओपन ग्राउंड में करना पड़ेगा साथियों। आज जो हम लोग हाल में मीटिंग कर रहे हैं एनिवर्सरी को, एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम आप आने वाली एनिवर्सरी को उस हॉल में नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 लोगों की मीटिंग होगी। अगर हमने इस पैटर्न में काम शुरू कर दिया,
तो सोच देखिए, अगर हम एक महीने में 600 लोगों की मीटिंग कर रहे हैं तो 12 महीने में कितनी मीटिंग हो सकती है, 12 महीने में कितनी मीटिंग हो सकती है, 72,000 लोगों की मीटिंग, और ये तो एक व्यक्ति की मीटिंग है साथियों, एक व्यक्ति की। अगर हम एक व्यक्ति के ग्रुप की भी मीटिंग मान लें तो भी आप सोचिए कितने सारे लीडर्स हैं। कहां जाएगा ये आंकड़ा आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आने वाली 2024 की एनिवर्सरी को हम सफल बना सकते हैं, एक ऐसी एनिवर्सरी जिसको हम यादगार ऐतिहासिक बना सकते हैं, जो ओपन ग्राउंड में होने वाली है, जो लोगों के लिए एक मिसाल होगी, एक उदाहरण होगा, दुनिया देखेगी, अन्य कंपनी वाले देखेंगे कि जेएमबीडी ने कैसा कमाल कर दिया कि ओपन ग्राउंड की मीटिंग को सफल बना दिया, और उस ओपन ग्राउंड में भी लोग खड़े होकर मीटिंग देखेंगे, क्योंकि ऐसा नजारा हम लोगों ने पहले कहीं भी देखा था, वो नजारा शायद उससे बेहतर यहाँ पर होने वाला है साथियों। तो मैं आप सभी को एक अपना पर्सनल एक अनुभव बता रहा हूं कि अगर आप लोग इस चीज को लागू करते हैं अपनी अपनी टीम में, तो आप स्वयं देखेंगे कि बिजनेस कहाँ से कहाँ जा सकता है साथियों। तो मैं आप सभी से यही मेरा एक अनुभव है, इसको लागू करें। बाकी मीटिंगें शुरू हो चुकी हैं, सेमिनार्स, और हर 3 महीने में 4 महीने में बड़ी मीटिंग होंगी। हालांकि दद्दा जी ने जो भी हम लोगों को बताया कि अब ये बोर्ड पैनल की मीटिंग हर 3 से 4 महीने में हम लोगों की भी होगी, जो एक अलग अनुभव हम लोगों को मिलेगा। दद्दा जी को फिर से लगातार इसके लिए धन्यवाद करते हैं हम लोग अपनी तरफ से, खास तौर से ये जो हम लोगों का जीवन एक लाइफ स्टाइल दद्दा जी ने जो बदलने का जो निर्णय लिया, ये हम लोगों के लिए एक मेडिकल जैसा है, जो कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी चीज हम लोगों को मिल जाएगी। एक कहीं ना कहीं लगातार धैर्य से, लगन से लगे रहने का नतीजा है मित्रों, और वो आज सार्थक हो रहा जो हम लोगों ने कभी सुना था कि भैया लगन से लगातार लगे रहेंगे धैर्य के साथ तो जीवन में सारी चीजें आपके साथ होंगी। आज वो चीजें सार्थक होती दिख रही है, यथार्थ होती दिख रही है, जो आज हम लोगों के साथ में हुई है। तो मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं, और जितने भी साथियों का टूर अभी फाइनल नहीं हुआ है वो सभी साथियों के पास दोबारा फिर से मौका है अपने उस टूर को फाइनल करने का। दद्दा जी ने समय बढ़ा दिया है और उस टूर को, जैसा कि आपका नैनीताल का टूर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, उस टूर पे अगर हम सब ने तैयारी कर ली तो बहुत मजा आना साथियों। अभी तो हम लोगों का टूर जो रहा, देखा जाए तो एक ही दिन का रहा ये हम लोगों का अनुभव, लेकिन ये टूर तो 3 दिन का होने वाला है। 5 स्टार होटल में साथियों सोचिए, 5 स्टार होटल में 3 दिन तो रातों का अनुभव, ये अपने आप में बहुत बड़ा होने वाला है साथियों। उसको सोच के देखिए, अनुभव कीजिए, जो हम लोगों ने अनुभव लिया है इससे कहीं बहुत बड़ा होने वाला है। ये वो समय है, अभी हमारे पास मौका है लगभग 24 से 25 दिनों का, लग जाइए, भिड़ जाइए, युद्ध स्तर पर लग जाइए, फॉर्मेलिटी मत कीजिए, क्योंकि अगर हमने सोच लिया तो हम कर डालेंगे। जो हम सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, इंसान के लक्ष्य से बड़ा, इंसान के साहस से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता है। अगर हमने साहस कर लिया तो ये लक्ष्य तो बहुत छोटा है, कुछ नहीं है मित्रों, कुछ भी नहीं है, बस हमें अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ऊर्जा लगा देनी है। सोचिए मिलने वाला क्या, ये मत सोचिए कि हमको क्या करना, ये सोचिए हमको मिलेगा क्या। अगर हमारी नजर उस लक्ष्य पे हो जाएगी, उस टूर पर हो जाएगी, हमको क्या मिलेगा वहां जाने पर, उस अनुभव को फील कीजिए, उसको दिमाग में लेके आइए कि क्या प्राप्त होगा वहां जाने के बाद, जो जीवन में साथ कभी ना मिल पाए, वो अवसर हम सबको मिलने। अगर हमने उसको दिमाग में बैठा लिया तो शायद ये टारगेट, ये लक्ष्य आपको बहुत आसान लगेगी, क्योंकि उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो साथियों, मैं आप सभी को, हालांकि मुझे लगता समय हो चुका है, मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद करता हूं, उन सभी साथियों को, सभी गुरुओं को भी अपने, जिनको आज मैं जो कुछ भी हूं, आज मैं जो भी बोल पा रहा हूं, कहीं ना कहीं उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं बोल पा रहा हूं, और अपनी प्यारी सी टीम को, उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूं जिनका आज मैंने नाम नहीं लिया हो, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इसमें सभी का सहयोग है, सभी का साथ है, जिनके साथ में आज हम सब यहाँ काम करते हैं, जहां तक पहुंचे हैं। तो मैं आप सभी को और उन सभी साथियों को भी धन्यवाद करता हूँ जो जूम मीटिंग के लगातार हिस्सा रहते हैं, और उन सभी को भी जो लोग अपने अपने अनुभव को इस मीटिंग में रख रहे हैं, उन सभी साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
और इन्हीं सारी शब्दों के साथ, इन्हीं सारी बातों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप सारे लोग अधिक से अधिक टूर फाइनल करेंगे, स्वयं भी फाइनल करेंगे और अपनी टीम में भी उस टूर को फाइनल कराएंगे, क्योंकि मित्रों दद्दा जी ने बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। आने वाला समय आप सोच नहीं सकते, ये बिजनेस बिल्डिंग क्लब आपको वहां ले जाने वाला है जहां पर अभी आप ये शायद सोचा नहीं हो। क्यों? क्योंकि बिजनेस बिल्डिंग क्लब में वो ताकत है जो दुनिया के किसी प्लान में ताकत नहीं है। ये एक अनलिमिटेड प्लान है जो बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ा लेवल, बहुत बड़ा सब कुछ आपको देने वाला है। इन्हीं सारी बातों, इन्हीं सारे शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। आप सभी को जय जय मेडी।